हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर के प्रिपरेशन में घटना चक्र का प्रैक्टिस पेपर सेट 7 करेंगे, जो कि हमारा पेपर 1 हम लोग कर रहे हैं, कंपलसरी 50 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट ओर है किसका? लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का एंड सोने का। तो इसमें देखिए, बॉक्साइट जो होता है ये होता है एल्युमिनियम ओर। देखिए सबके कुछ, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं, वो इम्पॉर्टेंट जो ओर्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, इसी तरह बहुत ज़्यादा फेमस बॉक्साइट है, वैसे और भी हैं, जैसे कि क्रायोलाइट है और कोरंडम है। तो ये दो तीन कुछ और हैं एल्युमिनियम के। यहाँ पर और ऑप्शन की अगर हम बात करें तो लोहे का यानी कि आयरन का जो ओर है वो दो बहुत पॉपुलर हैं, एक हीमेटाइट है, दूसरा मैग्नेटाइट है। ठीक, हीमेटाइट और मैग्नेटाइट ये आयरन के ओर हैं। तांबे की यानी कि कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के ओर दो बहुत फेमस हैं, एक है कॉपर पाइराइट, यानी ठीक है कॉपर पाइराइट है एक, और दूसरा होता है क्यूपराइट C2S। तो ये जो होते हैं ये दोनों काफ़ी फेमस हैं। ऐसे सोने के कई सारे हैं, टेल्यूराइट्स से होता है, टेल्यूराइट्स को रिफॉर्म कर करके ऐसे, तो सोने के भी हैं। अब यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया बॉक्साइट का एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि वाटर से फैलने वाली डिजीज़ कौन सी है? वाटर ऑब्वियसली जो पॉल्यूटेड वाटर होगा, या फिर फूड, यहाँ पर मैं कहने का मतलब है इनका, तो उससे कौन सा फैलती है? तो है यहाँ पर हैज़ा से। देखिए लग रहा होगा आप लोगों को मलेरिया से है, लेकिन मलेरिया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मॉस्किटोज़ वहाँ पर रहते हैं, मतलब उनका वहाँ पर रिप्रोडक्शन होती है वाटर में, और वो लेकिन वहाँ पर जो मॉस्किटो है वो एज अ कैरियर काम करता है। तो मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो कैरियर काम करता है, लेकिन ये होती प्रोटोजोअन डिजीज़ है, और ये प्रोटोजोअन डिजीज़ जो होती है प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। खैर वो अलग चीज़ है। अभी हम यहाँ पर हैज़ा की बात करेंगे। हैज़ा को इंग्लिश में कहते हैं कॉलरा। कॉलरा जो होता है गंदा खाना पानी से फैलता है। कॉलरा ये है कैसी डिजीज़? एक तो मुझे बताएं कैसी डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो है विब्रियो कॉलरी, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, विब्रियो कॉलरी से ये हैज़ा होता है, कॉलरा होता है। उसके बाद है चेचक। अगर हम चेचक की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हैज़ा हो जाएगा। चेचक की बात करें तो देखिए चेचक टू टाइप्स की होती है मेनली, एक होती है स्मॉल चिकन पॉक्स, एक होती है एक होती है चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होती है ये जो छाले वाली होती है, जिसके अंदर पानी भरे होते हैं दानों के अंदर, वो वाली होती है, मतलब ज़्यादा देखने में गंदी यही होती है, लेकिन स्मॉल कहलाती है, तो ऑपोजिट होता है, इससे कन्फ्यूज़ मत होइएगा, काफ़ी लोग इस कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये जो होती है ये वायरल डिजीज़ है, चेचक वायरल डिजीज़ है, और ये होती है वायरस से वेरियोला, ठीक है, ये वेरियोला वायरस से होती है और ये वेरिसेला वायरस से होती है। तो बस ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए याद रखिएगा, इसमें वेरियोला, इसमें वेरिसेला है, चिकन पॉक्स सी आता है, वेरिसेला में सी आता है, तो ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद आ गया है मलेरिया। तो मलेरिया का अभी हमने बताया ये प्रोटोजोअन डिजीज़ है, ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है, इसके साथ ही होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और इसमें जो कैरियर होती है वो होती है एनाफिलीस मॉस्किटो, एनाफिलीस मॉस्किटो इसकी कैरियर होती है। अब बात करते हैं टीबी की, यानी कि तपेदिक। तो देखिए तपेदिक हिंदी वर्ड है इसलिए हम इंग्लिश बोल रहे हैं यहाँ पर। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो होती है ये होती है हमारी बैक्टीरियल डिजीज़, और इसका जो बैक्टीरिया होता है उसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके वायरस कौन कौन से हैं? दो टाइप की, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वेरियोला वायरस और वेरिसेला वायरस। हैज़ा जो होता है यानी कि कॉलरा, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये होता है विब्रियो कॉलरिस की वजह से। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोअन डिजीज़ है, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और इसमें एनाफिलीस मॉस्किटो जो होता है ऐसा कैरियर काम करता है। तपेदिक जो है ये टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। देखिए इनमें क्वेश्चन है, निम्न में से तना कौन सा है, यानी कि स्टेम कौन है, स्टेम पूछी है यहाँ पर। तो देखिए शलजम जो होती है, फिगर से अगर हम बात करें
शलजम जो होती है जिस टाइप से होती है, यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ रूट्स टाइप के निकले होते हैं, इसका मतलब ये कौन सी है, रूट है। गाजर जो होती है ये भी कुछ इसी टाइप की होती है, इसमें भी यहाँ पे रूट्स निकली होती हैं, यानी कि ये क्या है, रूट है। इसी तरह जो मूली होती है रेडिश, वो भी रूट होती है। शकरकंद भी ये रूट होती है, ये भी इस तरह से होती है। और अदरक की अगर हम बात करें तो अदरक जो होती है ये तना होती है, स्टेम होती है, बल्कि कहें ये ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्म है, अदरक तना जो है ये ट्रांसफॉर्मिंग फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अदरक। आलू है, अदरक है, ये ट्रांसफॉर्मिंग स्टेम वाले एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। कुनैन जो होती है ये हमें मिलती है किस प्लांट से, सिनकोना प्लांट से मिलती है। और ये उसमें कहाँ से मिलती है, उसकी छाल से मिलती है, यानी कि छाल को इंग्लिश में कहते हैं बार्क। तो हमें बार्क से कुनैन मिलती है, जो किस में यूज़ की जाती है, मलेरिया में यूज़ की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग है। सबसे पहले लौंग का एक बार साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम होता है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, ठीक है। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा ये इसका नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है लौंग का। और जैसे कि ये देखने में लगता है तो ये छोटा सा फूल, सूखा हुआ फूल दिखता है, तो वही एग्जैक्टली ये होता है। और ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनको सुखाकर ये निकाल लिए जाते हैं लौंग्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, जाड़ों में घटता है, गर्मियों में बढ़ता है। ये देखिए इसका राइट आंसर है, ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। असल में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो हमारी बॉडी में एकदम बैलेंस रहता है, ठीक है। जो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, जो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे इनर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। और ये बैलेंस बनाता कौन है, ये इसको कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का कंट्रोल किसके अंदर होता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। पहले तो ये पता होनी चाहिए कि विषय सूचियाँ ये सब है क्या। तो देखिए हमारे शेड्यूल में वन में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी में कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन सही टिक हो नहीं पाएंगे, इसमें लैंग्वेज में उलझ के रह जाएंगे। जो हमारी वो हैं क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तीन पार्ट में, उसमें तीन लिस्ट बनाई गई हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट इसमें यूनियन यानी कि सेंटर कानून बनाता है, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट कानून बनाता है। कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बनाते हैं। उसके बाद एक थर्ड टाइप की लिस्ट होती है जिसे कहते हैं रेसिडोरी लिस्ट। तो रेसिडोरी लिस्ट जो होती है इसमें पावर होती है किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को पावर है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में ना हो, इन तीनों लिस्ट में ना हो उस पर अगर हमें लॉ बनाना है तो वो किसको पावर है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आर्टिकल 248 के अंदर इसे पावर मिली हुई है। तो इतनी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए, ओके। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट के हैं कितने, देखिए एक 97 थी इसमें पहले सब्जेक्ट थे, अब 100 हो गए हैं, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं, स्पेशली फाइनल वाले पूछे जाते हैं जो अब हो गए हैं। क्लिस में 66 थे और कम हो गए हैं, 61 हो गई हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स 100 हो गए हैं, 61 हो गए हैं। और ये कॉन्करेंट वाले इसमें 47 थे, 52 हो गए हैं। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, पहले या पूछे जा सकते हैं या फिर अब फाइनल वाले पूछे जा सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हो गई, यहाँ पर कौन कानून बना सकता है, इनके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट में कानून बनाना हो रेसिडोरी लिस्ट में जाएगा और वो पार्लियामेंट बना सकता है, और ये पावर से आर्टिकल 248 से मिली हुई है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। देखिए केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की, ठीक है, यहाँ पर इतनी चीज़ें आ रही हैं किस अमेंडमेंट के थ्रू। अब देखिए इसका राइट आंसर तो 91st है। देखिए पहले सरकार बनती है, सरकार किससे बनती है, जो भी होते हैं वो लोकसभा में जाते हैं, है ना, लोकसभा मेजॉरिटी उनकी रहती है। तो लोकसभा, ये पहले तो ये पता होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों किसके अंदर आते हैं,
अगर हम इनकी बात कर रहे हैं मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक। दूसरा आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हिंदी में कहें तो विधानसभा, और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पर कौन रहते हैं, एमएलए, इलेक्शन वाले जो जाते हैं यहाँ पर एमएलए जाते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे होते हैं हम, यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे होते हैं। तो अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं यानी कि सेंटर, और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं मतलब स्टेट, यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा में जितने मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा में जितने मेंबर हैं टोटल, उनका 15% जो जाते हैं वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। और इसमें कौन इंक्लूड रहता है, इस 15% में कौन इंक्लूड होगा, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये सेंटर की बात है तो प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होगा, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने जाएंगे, 15% में जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लोग, और उसमें कौन इंक्लूड होगा, पीएम भी इंक्लूड होगा। इसी तरह से जब स्टेट की हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा में जितने मेंबर होंगे टोटल, उसका 15% जो जाएंगे, उनका 15% जाएंगे जो स्टेट की होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट की होगी। और इसमें कौन इंक्लूड रहेगा, इसमें सीएम ऐड रहेगा, क्योंकि स्टेट में कौन होता है, सीएम होता है। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, और अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो ये 92nd जो अमेंडमेंट हुआ था एट, जिसमें क्या है, लैंग्वेजेस की बात की गई है, लैंग्वेजेस की बात की गई है। तो उसमें कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली। देखिए बॉट मास सुना होगा ना मैथ्स में, बस उसी से रिलेटेड है, BDSM आगे पीछे कर लेगा इसको। तो बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली, ये लैंग्वेजेस, चार लैंग्वेजेस ऐड हुई थी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2004, और ये वाला कब हुआ था, 2003 में हुआ था। उसके बाद जो नाइन्टीथ हुआ था, ये वाला कब हुआ था अमेंडमेंट, ये हुआ था असम से रिलेटेड था, असम में जो वहाँ की असेंबली थी असम में, तो वहाँ पे रिजर्वेशन से रिलेटेड था, जो वहाँ पर बोडोलैंड वाला टेरिटोरियल एरिया जो है बोडोलैंड का, उससे रिलेशन से ये इसका रिलेशन है 90th अमेंडमेंट का। तो यहाँ पर जो हमारा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो नंबर्स की बात है, जो 15% की बात है, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है। तो वोटिंग राइट की बात कर रहे हैं, तो वोटिंग राइट इनमें से कौन सा है, तो देखिए वोटिंग राइट ना तो फंडामेंटल राइट है, ना ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है, ठीक है। ये कौन सा है, एक लीगल राइट है, यानी कि वैधानिक अधिकार है। इसके बारे में सबको पता है, 18 या 18+ जो होते हैं वो, ये उनके पास ये राइट है। अब देखिए नेक्स्ट है, संसद में शून्यकाल का समय है, तो देखिए पार्लियामेंट में जो शून्यकाल होता है ये कैसे चलता है, जो सेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले चलता है 11 बजे के बाद कौन सा चलता है, क्वेश्चन आवर चलता है 11 बजे के बाद, और एग्जैक्टली 12 जैसे ही होता है, 12 o'clock होता है वैसे ही ये 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। इसको 0 आवर इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्जैक्टली 12 पे स्टार्ट होता है। अब इसके जो टाइम लिमिट होती है वो मैक्सिमम 1 आवर होती है, ठीक है, 1 बजे तक चलेगा मैक्सिमम, और मिनिमम भी कुछ होती होगी इसका मतलब। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए दोनों में अलग अलग चलता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में 1 घंटे तक चलता है और राज्यसभा में आधे घंटे तक चलता है, यानी कि हम कह सकते हैं 30 मिनट तक चलता है, ठीक है। अब ये ज़्यादा टाइम चलता है मतलब ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और ये कम आधा घंटा चलता है तो इसमें कम क्वेश्चन होंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन होते हैं। तो ये कुछ इसके बारे में और भी डिटेल है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो देखिए 11 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है ये सेशन पार्लियामेंट का, तो ये क्वेश्चन आवर पहले चलता है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि ओरल होते हैं, एक अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि रिटन होते हैं, ठीक है। स्टार को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टीवी पे देखा होगा, और अनस्टार्ट को कॉमा लगा के इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस टाइप का होता है, उसके बाद 4 and 12 जैसे ही होता है वैसे ही 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12:00 से 1 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। देखिए बोध गया,
इसका राइट आंसर है, क्योंकि बोध गया में बोध ही ट्री यानी कि पीपल का पेड़ के पास इनको नीचे जो है इनको ये बौद्ध बुद्धा को क्या हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये किस नदी पर है, निरंजना नदी पर है। और अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ऋषि पत्तन किसको कहते हैं, सारनाथ को कहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट सर्मन जो है इन्होंने यहाँ पर दिया था। लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, ये इनका प्लेस ऑफ बर्थ है लुम्बिनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत का प्रथम लोकपाल बनाया गया था। तो फर्स्ट लोकपाल जो है इंडिया के वो कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम और ऑप्शन की बात करें तो आसफ अली जो थे ये थे एक, ये इंडियन लॉयर थे, सबसे पहले तो पेशे से लॉयर थे, और ये फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जो यूएसए में थे, इंडिया के एम्बेसडर थे। देव सिंह ये कौन थे, ये फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर थे। और जॉन मथाई जो थे ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट थे। रेलवे मिनिस्टर थे फर्स्ट, और कुछ टाइम इनको फिनेंस डिपार्टमेंट भी मिला हुआ था कुछ टाइम के लिए। वैसे ये रेलवे मिनिस्टर से इनका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, बलदेव सिंह भी पूछे जाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंदोलनों में से गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। देखिए चंपारण से जुड़े थे जो कि 1917 में हुआ था, चंपारण से नमक यानी कि सॉल्ट यानी कि डांडी वाला जो हुआ था ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था, इससे भी जुड़े थे। भारत छोड़ो 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे कहते हैं, इससे भी जुड़े थे। स्वदेशी मूवमेंट से नहीं जुड़े थे जो कि कब हुआ था, 1923 में। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट 1923 में हुआ था, इससे गांधी जी का रिलेशन नहीं है। और ये क्यों हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल डिवीज़न के बाद, सॉरी 1923 कह रहे हैं बल्कि 1906 में हुआ था ये। और ये 1905 में क्यों हुआ था, बंगाल डिवीज़न हुआ था तो इसकी वजह से ये स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, इसके बाद स्टार्ट हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गरम दल के नेता नहीं थे। गरम दल नरम दल क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए क्या हुआ था कि पहले INC जो 1885 में थी, पहले सब एक साथ थे इसमें, INC जो बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस में सारी मीटिंग जो होती थी इसमें सब लोग एक साथ काम करते थे, ये लाला लाजपत राय, विवेक चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग थे, जवाहरलाल नेहरू सब लोग थे। लेकिन क्या हुआ था 1907 में, जिसको हम लोग कहते हैं सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन के नाम से जाने जाते हैं, इसमें क्या हुई थी, ये स्प्लिट हुई थी, दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी INC, और एक हो गया था एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल, और एक हो गया था मॉडरेट यानी कि नरम दल। ठीक है, हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवादी गरम दल जिन्हें कहते हैं, और मॉडरेट नरम जो नरम दल थे वो हो गया। तो इसमें जो गरम दल में थे ये कौन कौन थे, इसमें याद रखिएगा लाल बाल पाल थे, ऐसे जानते हैं लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, और इसके जो लीडर थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। और ये मॉडरेट साइड कौन कौन थे, इधर गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी जी थे और जवाहरलाल नेहरू थे, सब ये लोग थे। तो इसमें गोखले जो थे वो लीडर थे मॉडरेट की तरफ, तो लीडर भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद, ये सब कौन थे, ये इधर मॉडरेट की तरफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये देखिए इंडिया में किया गया, और जो हमारा ये ग्लोब अगर है हम बात करें तो ये इक्वेटर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, तो इंडिया में ये हरियाणा स्टेट में, हरियाणा स्टेट के गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम सिटी में इसका बनाया गया। और ये इसका मेन मकसद ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितना भी सोलर ये प्रोडक्शन है और इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी है इन सबको
इन सबको क्या करना, बढ़ावा देना कि इनके बीच यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्यों इनके बीच क्यों, क्योंकि सन जो मूवमेंट होता है वो एक बार यहाँ पर स्ट्रेट पड़ती हैं, फिर इक्वेटर पे आती हैं, फिर यहाँ पे आती हैं, फिर इक्वेटर पे जाती हैं, तो इसका जो मूवमेंट होता है सन रेजेस का 90 डिग्री जो पड़ता है वो कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक पड़ता है, या फिर कहें कैप्रिकॉर्न से लेकर कैंसर तक पड़ता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच जो है यहाँ पर इसको बढ़ावा देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जो जितनी भी सिटीज़ हैं वो इस चीज़ को अडॉप्ट करें, सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करें, क्योंकि ये क्या है, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी होती है। अब देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माल के विकाग्नि मित्र, ये बिल्कुल सही है, कालिदास मुद्र राक्षस ऋषाग्दत्त सही है, सौंदरानंद अशोकोर सही है, कर्पूर मंजरी हर्ष सही नहीं है। अब देखिए कर्पूर से रिलेटेड क्या है, कपूर, अगर हम कहें कपूर, राज कपूर है ना, हीरो हैं पुराने, तो राज कपूर यानी कि कौन हो गए यहाँ पे, राजशेखर, ठीक है। तो ये किसके थ्रू लिखी गई है, राजशेखर के थ्रू लिखी गई है, कर्पूर मंजरी राजशेखर की है, और हर्ष की कौन सी है, हर्ष की एक बहुत फेमस पूछी जाती है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका बहुत पूछी जाती बार बार, तो ये हर्ष की हो गई, ये कर्पूर मंजरी राजशेखर की हो गई। इसमें जो संस्कृत टाइप के टर्म्स हैं वो सारे कालिदास के हैं, वो समझ जाएंगे, अलग से आएंगे, बड़े से आएंगे थोड़े से, और संस्कृत टाइप के टर्म्स आएंगे वो कालिदास की होगी, अगर ना याद हो तो, वैसे कई सारी हैं एक बार देख लेगा। विशाखदत्त के कौन हैं, मुद्रा राक्षस हैं, अशोक घोष के सौंदरानंद हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जो कि सही नहीं है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के टाइम मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। देखिए औरंगजेब इधर जब मुगल पीरियड चल रहा था औरंगजेब का टाइम, और इधर नीचे मराठा चल रहा था साथ में, तो उसमें पूछा जाते हैं अक्सर क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि कंटेम्प्रेरी रूलर, तो उनकी बात करें तो यहाँ पर देखिए राजा राम यहाँ से ये चल रहा था, लेकिन पूछा गया है डेथ के टाइम, तो देखिए राजा राम की फिर आगे मौत हो जाती है, और इनकी बीवी ताराबाई जो होती हैं वो बैठती हैं गद्दी पे, उस और भी बैठते हैं, इनका बेटा बैठता है पहले शिवाजी टू, और लेकिन इनकी डेथ के टाइम पे ताराबाई होती हैं, तो ताराबाई हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, तो देखिए फर्स्ट जो सबसे पहले हुई थी, जो हुआ था इस्टेब्लिश, वो हुआ था हिंदू कॉलेज यानी कि कलकत्ता में, कौन सा, 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था हिंदू कॉलेज कोलकाता में, और फिर दिल्ली कॉलेज, ये सीक्वेंस सही है, दिल्ली कॉलेज, फिर मेयो कॉलेज, फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है, लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू, ये सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट जो है ये केरल में नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे चलती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर चलती पुलिकट लेक। नक्की जो है ये महाराष्ट्र की है, गुजरात की नहीं है, महाराष्ट्र की है, लोनार जो है, सॉरी महाराष्ट्र की लोनार है, ये महाराष्ट्र की है लोनार लेक, और नक्की जो है ये राजस्थान में है, इसे याद रखिएगा, नक्की राजस्थान में है, लोनार कहाँ है, महाराष्ट्र में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश सही है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच की बॉर्डर पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है, यानी कि बायोलॉजिकल डिजर्ट किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल डिजर्ट कौन सी रिवर कहलाती है, तो इसमें दामोदर जो है ये कहलाती है। अब दामोदर के बारे में अगर हम थोड़ा जानें, ये हमारी किस स्टेट से स्टार्ट होती है, झारखंड स्टेट की है। अब आप लोगों को पता है जो झारखंड वाला एरिया है पूरा माइनिंग है, यहाँ पे कोल माइनिंग बहुत अच्छे से होती है, बहुत सही से पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है जिसकी वजह से ये इसकी हालत रहती है, तो झारखंड से निकलती है और फाइनली उधर वेस्ट बंगाल की तरफ जाकर हुगली रिवर में मिल जाती है, और क्या होता है एंड में 300 किलोमीटर के अबाउट, लगभग 300 किलोमीटर के अबाउट ये जो है बिल्कुल वहाँ पर डिजर्ट टाइप बन गया है डिजर्ट, तो इसलिए क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल डिजर्ट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश नेचुरल गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है, तो देखिए सारे कोस्टल एरिया हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो नेचुरल गैस से प्रोडक्शन होता है वो होता है बॉम्बे हाई यानी कि मुंबई हाई से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मुंबई पता होना चाहिए किस आईलैंड पर है पूछा जाता है, तो वो है सेलसेड आईलैंड पर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो देखिए साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है केरला में,
केरला में पड़ती है अनाईमुदी। उसके बाद सेकेंड नंबर पर डोटा बेटा है, फिर है महेंद्रगिरी, थर्ड नंबर पर फिर है धूपगढ़। ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है धूपगढ़, और ये विंध्यन रेंज की जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर अनायमुदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? नेचुरल कैपिटल में लिए जाते हैं, देखिए फॉरेस्ट ये भी नेचुरल है, जल खनिज ये सब नेचुरली हैं, सड़कें जो हैं ये बनाई जाती हैं, मैन मेड होती हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? देखिए इसको प्रीवियस पेपर में बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, और ये किससे रिलेटेड था? वन कटाई के था। यहाँ पर पेड़ बहुत काटे जा रहे थे उस टाइम पे, तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इसमें एक पेड़ के चारों तरफ सब लोग क्या हो गए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चारों तरफ खड़े हो गए थे कि ताकि इसको काटना बंद किया जाए। और ये कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या हो? इको मार्क क्या होता है? इको मार्क का मतलब होता है इको फ्रेंडली, ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब कि जिनकी वजह से इन्वायरमेंट को कोई गलत इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो उनको क्या है, ये टैग दिया जाता है, इको मार्क दे दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या क्या? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हूँ, इको फ्रेंडली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? देखिए विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा, इनमें से जो ऑप्शन है, कोयला है, खनिज तेल, गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, वही इन्वायरमेंट को देखते हुए सबसे अच्छा जो हों सोर्सेज हों वो कहलाते हैं। तो वो कौन से हो गया? वो वाटर, यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो होती है, ये वाली जो प्रोसेस है ये बेस्ट है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे सोलर, अगर सन कहीं भी हो तो सोलर वाला लगाइएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी बिल्कुल भी पॉल्यूटेड सोर्स नहीं है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? देखिए इसमें इतनी हिंदी में कन्फ्यूज़ ना हो जाएगा। धारणी विकास का मतलब होता है कि हम ऐसा डेवलपमेंट करें जो कि अभी अभी प्रेजेंट टाइम में अच्छा हो और आने वाले फ्यूचर के टाइम के लिए भी अच्छा हो। ये नहीं कि आगे जाके वो इन्वायरमेंट के लिए ख़तरा बन जाए या गलत हो जाए कुछ भी। तो इसलिए दोनों चीज़ों को लेकर चलते हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम दोनों को देखकर चलते हैं। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है? ये है प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन ज़रूरी है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो है, अगर हम इन्वायरमेंट को लेकर नहीं सोचेंगे तो वो आगे कहीं ना कहीं जो है हमारी फ्यूचर में दिक्कत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला स्टेट है वो कौन सा है? तो मैक्सिमम जो है वो यूपी है। यूपी देखिए फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद इसमें बहुत दूर दूर ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर है बिहार, फोर्थ नंबर पे है वेस्ट बंगाल, एंड फिफ्थ नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर फिफ्थ वाला सिर्फ इसके बाद दिया गया है, उसके बाद आगे के हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मिनिमम फिफ्थ तक याद रहना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन वाली स्टेट की अगर हम बात करें तो यूपी फर्स्ट नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर मध्य प्रदेश है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट इंडिया में रहता है? वर्ल्ड की अगर हम टोटल पॉपुलेशन को देखें तो उसका कितना परसेंट इंडिया में रहता है? तो 17.5% जो है वो इंडिया में लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, किस कंट्री में? तो वो चाइना में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है? इस पे चाइना, इसमें 19 point something उसमें परसेंटेज है इसकी। उसके बाद है, रवीन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस साल दिया गया था? तो ये 1913 में इन्हें मिला था। और अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इंडियन है ये जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। और किस में मिला था नोबेल अवार्ड इनको? लिटरेचर में मिला था इनको, तो सब जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनको फर्स्ट मिला था कब? 1913 में मिला था। और इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो कौन सी बुक में? आनंद मठ एक बुक थी, उसमें किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा था इस बुक में इनकी। और ये विद्रोह जो हुआ था ये
एक्चुअली हुआ था ये बहुत ज़्यादा, क्या हुआ था कि जब बंगाल में जब ब्रिटिशर्स आते हैं वहाँ पर रूल करने बंगाल में, तो वहाँ की पूरी इकोनमी को एकदम इधर उधर कर देते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टैक्स जो है वो लोग लेते हैं, लैंड रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा लेने लगते हैं, और प्लस जो हॉली प्लेसेस होते हैं हिंदू मुस्लिम सबके, तो उन पे उन्होंने रोक लगा दी थी ब्रिटिशर्स ने। तो बहुत ज़्यादा पूरी और इकोनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तब ये रिवोल्ट जो है स्टार्ट हुआ था, सन्यासी रिवोल्ट, और इसके बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बुक आनंद मठ में लिखा है। उसके बाद आते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो देखिए, अगर पूछा जाए इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में जितने भी हुए थे उसमें फीमेल सबसे ज़्यादा किस में पार्टिसिपेट किया था, तो वो था नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह मतलब कौन सा, डांडी वाला, ठीक है, डांडी मार्च जो हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स थी। और इसमें टोटल मेंबर पूछे जाएँ कितने हैं, तो टोटल मेंबर 78 थे। टोटल मेंबर इसमें 78 थे। और ये कब स्टार्ट हुई थी, 12th मार्च 1930 को, 1930 को स्टार्ट हुई थी और ख़त्म हुई थी 6 अप्रैल। इतने टाइम चला था। और डांडी जगह पे जाके उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद यहीं से क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत हो गई थी, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की इस शुरुआत हो गई थी, और इसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स थी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 को मोपला विद्रोह हुआ था। देखो मोपला जो था, मोपला एक जाति थी, एक कास्ट थी, जो कि कहाँ रहती थी, ये मालाबार की थी, ठीक है, केरल में। मालाबार जो है, मालाबार में ये जाति थी, इसमें मुसलमान पट्टेदार थे, ठीक है, मुसलमान लोग थे पट्टेदार, और खेती वाले जो थे, खेतीहार जिन्हें कहते हैं, उनको उस टाइम पे मोपला कहते थे। उनको वहाँ पे क्या कहते थे, मोपला कहते थे। तो ये जब इन्होंने रिवोल्ट किया तो ये मोपला विद्रोह कहलाया। और ये कहाँ से हुआ, मालाबार से हुआ, क्योंकि वहीं पे ये थे। 1921 में हुआ, और इसके दो मोटिव थे। एक तो ये था कि इसको जो जो इनको जो है क्या करते थे, जो इनके ऊपर हेड थे, जो इनसे काम करवाते थे, ये रिवोल्ट उनके अगेंस्ट था। और दूसरा जो वहाँ पे ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीज़ें थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। तो ये इन दोनों के अगेंस्ट ये रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद है सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है। तो इसका जो रिलेशन है वो है भूमि कीमत से, लैंड की जो प्राइस होती है उससे रिलेटेड है। क्या है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, रूरल एरियाज़ में वहाँ पर क्या होता है, प्राइस घटता बढ़ता है। तो उसका रिकॉर्ड पूरा NHB के थ्रू जो है वहाँ पर, NHB क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसने क्या किया, एक लिस्ट जारी करना स्टार्ट कर दी, इंडेक्स बनाना शुरू कर दिया, और ये शुरुआत हुई 2007 में। 2007 में शुरुआत हुई। और इसमें क्या होता था, जितने भी रिहायशी इलाके जो होते थे वहाँ का प्राइस जो है उतार चढ़ाव जो होता था वो पूरी इसमें डेटा रहता था। और इसका बेस ईयर हमारा 2007 ही रहेगा। और तो उसमें जो पायलट जो सिटीज़ थी वो थी 5 थी टोटल। इसमें कौन कौन सी थी, दिल्ली मुंबई बेंगलोर भोपाल और कोलकाता, ये 5 सिटीज़ थी जहाँ पर ये रेसिडेक्स जो है इंडेक्स इसने जारी करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय, यानी कि माइक्रो कहाँ पर है, ये है, और यूपी यानी कि नोएडा इसमें ऑप्शन है। नोएडा कहाँ है, यूपी में। तो ये राष्ट्रीय उद्यमिता लघु व्यवसाय ये संस्थान कहाँ पर है, नोएडा में है, यूपी में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1952 में स्टार्ट हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ का हेल्थ हाइजीन ये सब चीज़ें जो हैं, एजुकेशन, इनको बढ़ावा देना था इस प्रोग्राम का मेन मकसद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो ये देखिए, मिल्क डे जो है आपने सुना होगा, रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से रिलेटेड है। और इसके जो फादर थे वार्गीस, जिसके फादर थे वार्गीस, उनका उनका बर्थडे के दिन ये मनाया जाता है, यानी कि किस दिन, 26 नवंबर को, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ है 2014 को, फर्स्ट टाइम 2014 से ये मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे मनाना स्टार्ट हुआ है। और ये किसके थ्रू सबसे पहले बार मनाया गया था, IDA के थ्रू, यानी कि इंडियन
डेयरी एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन डेयरी एसोसिएशन के टाइम फर्स्ट टाइम ये 26 नवंबर 2014 को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट है 23 नवंबर 2020 को किसने विदेश मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया। देखिए पहले ये राष्ट्रीय था यानी कि नेशनल लेवल पे था, अब अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। तो इसका तीन ईयर पूरे होने के बाद विदेश मंत्रालय यानी कि रविशंकर प्रसाद ये हैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के फॉरेन मिनिस्टर हैं ये, तो रविशंकर प्रसाद इन्होंने लॉन्च किया है। अब इंटरनेशनली लॉन्च किया है तो यानी कि इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज़ होंगी जो वहाँ पर ये चल रहा होगा, तो उसमें कौन कौन है, यूएई है समिट्स वगैरह के लिए, यूएई है, नीदरलैंड है और सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, इसके अलावा ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो इतनी कंट्रीज़ जो हैं ये यहाँ पर इसका वर्जन लॉन्च हुआ है उमंग ऐप का। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय नौसेना हाल ही में शामिल किया गया पनडुब्बी रोधी अस्त्र वरुणास्त्र को बनाने में जो तकनीकें प्रयुक्त की गई है वो है, देखिए वो है, जो टारपीडो है, टारपीडो जो वरुणास्त्र है इसमें जो टेक्निक यूज़ की गई है वो पूरी तरीके से कौन सी है, इंडिजिनस है यानी कि स्वदेशी है। 26 नवंबर 2020 को देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी, देखिए क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया। दो टर्म आते हैं, एक अडॉप्ट के एक इन्फोर्स के, अडॉप्ट किया गया मतलब अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया यानी कि क्या हुआ, इन्फोर्स किया गया, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी टू मंथ के बाद ये इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया। तो ये जो अडॉप्ट करने वाला डे है इसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इसे लॉ डे भी कहते हैं, और ये सेलिब्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से, और ये 2015 में मोदी के थ्रू ये स्टार्ट किया गया, और इसको इन्फोर्स जो किया गया था ये 1950 में किया था, जब हम क्या मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है, तो इतनी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है 19 नवंबर 2020 को 12th भारत यूरोपीय संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई थी। तो देखिए ये जो की गई थी ये 19 नवंबर 2020 को, ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए 19 नवंबर 2020 को उन्होंने डेट दे रखी है और पूछा है कब आयोजित की गई थी। चलिए 19 नवंबर 2020 को ही 12th नंबर की, ये बस याद रखिएगा 12th नंबर की इंडिया। हाल ही में किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई है। तो देखिए अमेरिकी जो नेवी है, अमेरिकन नेवी जो है उसने किया है, आईसीबीएम को जो है डिस्ट्रॉय किया था, अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की है, तो इसने ये बता दिया है अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी, ठीक है, नेवी के थ्रू। पर नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में, तो देखिए पीलिया यकृत से रिलेटेड है यानी कि लिवर से रिलेटेड है, ददोरा क्या है त्वचा से यानी कि स्किन पे क्या होते हैं, ददोरे होते हैं, दाने होते हैं छोटे छोटे, वो उससे रिलेटेड हो गया। कौन इफेक्टेड होता है, पीलिया से यकृत इफेक्टेड होता है, ददोरा से कौन इफेक्ट होती है, स्किन इफेक्ट होती है। यदि कक्षा में आप ऐसी स्थिति में कि विद्यार्थी आपको धमकाते या परेशान करते हैं तो आप देखिए, वैसे तो ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में आता है, लेकिन यहाँ पर अभी इन्होंने दिया है तो उसको बताएंगे। देखिए हमेशा आप लोग चाइल्ड की रिस्पेक्ट में सोचेंगे, उसके ऊपर फोकस करके सोचेंगे, अपना नहीं फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकालेंगे। तो विद्यार्थी को कक्षा से बाहर जाने के लिए, परामर्श दाता के पास जाने के लिए कहेंगे बिल्कुल नहीं, उनका विरोध करते हैं और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे नहीं, उनकी उपेक्षा करेंगे, पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे नहीं, हमेशा बहुत ही पीसफुली नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्यार से स्टूडेंट से हमेशा यहाँ पर इस टाइप के जो आंसर होंगे, अगर मान लिया आपको नहीं आती तो इस तरह के आप ऑप्शन टिक कीजिएगा। अपने विद्यार्थी से बात करने का समय लेंगे और उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। वो क्या करते हैं, इन क्वेश्चन के थ्रू आपकी थिंकिंग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीचिंग जॉब में जा रहे हैं तो आपकी थिंकिंग इस हिसाब से होनी चाहिए ना कि बच्चों के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने विद्यार्थियों से बात करने का समय लेंगे और उन्हें बदलने का, देखिए जो भी किसी की, ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कोशिश करना चाहिए प्यार मोहब्बत से चीज़ें सुलझ जाएं, धमकाना डराना ये सब कोई तरीका नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, तो उसमें ऑड कौन सा है, तलवार, भाला, बंदूक, कटार। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है डिपेंडेंसी के बेसिस पे हम बताएंगे और दूसरा ये बताएंगे कि इसमें
इसके टाइम पीरियड का अकॉर्डिंग। तो देखिए, तलवार, भाला और कटार, ये जो है ये बहुत पुराने टाइम के हैं, मतलब जब इवोल्यूशन का बहुत स्टार्टिंग एज थी तब ये हो गया था, ये सब चीज़ें आ गई थी। वेपन्स और बंदूक बहुत बात की है, तो इससे बंदूक जो हो जाती है वो ऑड हो जाती है। और दूसरी तरह तलवार, भाला, कटार, इसको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं सीधा एज अ वेपन, लेकिन बंदूक जो होती है ये गोली पर डिपेंड करती है। अगर गोली नहीं होगी तो आप बंदूक चला ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से एज अ डिपेंडेंसी जो है बंदूक भी यहाँ पर क्या हो जाती है, ऑड हो जाती है। यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार था, चलिए बनाते हैं, आज ये प्रेजेंट डे है, इससे 2 दिन पहले, ठीक है, 9 नवंबर हो गई और संडे हो गया, यानी कि इससे 2 दिन बाद, यानी कि आज कौन सा है, मंडे, ट्यूसडे, आज ट्यूसडे, तो आने वाला कल क्या होगा, आने वाला कल होगा वेंसडे। और डेट कौन सी होगी, 9, 10, 11, 12 वेंसडे हो गई, 12, ये लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में कितनी बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वैसे हम फिर से बता देते हैं। देखिए 12 आवर्स होते हैं, वैसे क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं, यानी कि कितने टाइम्स ओवरलैप करती हैं दोनों सुइयां, आवर और मिनट वाली, 11 टाइम्स ओवरलैप करती हैं आपस में। तो अगर हम एक दिन की बात करें, यानी कि 24 आवर्स की बात करें, तो क्या हो जाएगा, 12 × 2 यानी कि 24 और 11 × 2 कितना आ जाएगा, 22, 22 टाइम्स एक दूसरे को ढक लेती हैं। टीचर वी जी, अच्छा ये टी, देखिए प्लस टू किया गया है यहाँ पर, जो रिलेशन है वो प्लस टू का है, तो यहाँ पर भी हम प्लस टू का रिलेशन बताएंगे, यानी कि यहाँ पे ई होना चाहिए, एच है, जे होना चाहिए, आई है, एल होना चाहिए, आई जे एल, सॉरी के होना चाहिए, ई जे के। अब क्या करते हैं, ई जे के हमें 3 में मिल रहा है, तो हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं एक बार, एन ओ पी, यहाँ पर पी होगा, पी भी हमें 2 में मिल रहा है, तो ये वाला चेक कर लेते हैं, एफ जी, यानी कि ये जी वाला जो है सही है। नेक्स्ट है 22 फेब 2021 को DRDO ने कहाँ से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू ईयर मिसाइल को 2 सफल परीक्षणों में किया। तो देखिए उड़ीसा के पास चांदीपुर जगह है, वहाँ से ये लॉन्च करती है DRDO, और DRDO के चेयरमैन कौन है, सतीश रेड्डी हैं, इन्हें याद रखिएगा। को इंग्लिश में देखिए वर्टिकल शॉर्ट में लिखेंगे, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू ईयर मिसाइल, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO के थ्रू हुआ है और 2 स्टेप में ये सक्सेसफुल रही है, चांदीपुर उड़ीसा के पास है। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं, आई होप आपको अच्छी लगा होगा प्रैक्टिस सेट, और इससे पहले वाले प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं हमने ऊपर आई बटन में लिंक्स प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। वैसे आप हमारे चैनल पर जब विजिट करेंगे तो उसके होंगे सारे चीज़ें मिल जाएंगी वीडियोज़ में, तो आप उसको भी एक बार देख लेगा। ऐसे UPS असिस्टेंट टीचर की हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से पूरी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।